बसंती नाच रही है, धन कर धन 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 धन इधर इधर नाच रहा है ला नाचो मत दूँ नाचो धन कर धन धन माँ के लिए चप्पल वो कौन सी होना उनको मेरे को भी नहीं मालूम कौन सी होना क्या मालूम तेरे अम्मा को कौन सी चप्पल होना जो मेरे बेटे पे सूट करेगी वो काकड़ी और... काकड़ी नहीं ककड़ी काकड़ी क्या ये काकड़ी ककड़ी और कचुम्बर कितनी मिर्ची डाल रही है इधर से नंगाई को नीचे आके कैसे नाच रहा है ये दो बजा के नाच रहा है डन गना डन डन हर एंगल से नाच रहा है हर एंगल से Hey guys, Assalamualaikum. तो कैसे हैं आप सब? माँ सलाम करो लाल. Assalamualaikum. तो कैसे हैं आप सब? वेलकम हो गया आप लोगों का माँ पापा की प्यारी सी दुनिया में. तो मेरा बेटा हीरो बन गया. ओ तैयार हो गए तुम? कहाँ जा रहे? घूमो घूमो जा रहे. अरे अल्लाह, तो मैं यहाँ पे खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ. तो आज मैं बना रही हूँ, मेरा दिल कर रहा है बिरयानी बनाने का. तो मैंने यहाँ गोश्त उबाल के रखी, बड़े की बिरयानी बनाऊंगी आज मैं. तो महाज बिरयानी खाओगे? ये ये तो चलो, अभी मैं यहाँ पे बिरिस्ता बनाने की तैयारी कर रही हूँ. तो ये ठंडा हो जाएगा ना, अभी महाज टब्बू आएंगे तो दही उनसे मंगाऊंगी. क्या हो गया, क्या हो गया? हाँ आप सभी का स्वागत है. तो गाइज, मैं आ गया हूँ काम पर से और मेरी तबीयत है ना बहुत ज़्यादा ख़राब है. आज एकदम हाथ पैर इतने दुख रहे, इतनी वीकनेस आ गई है और सर्दी जुकाम बुखार ठंडी और बदन दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है. एकदम ऐसा सांस लेने भी नहीं हो रही है. पूरा ये सीना है ना एकदम जाम हो गया जुकाम से और नाक भी एकदम जाम हो गई है. तो मैं कैसा कैसा करके आज काम किया और घर पे आया तो बहुत हालत ख़राब है, हद से ज़्यादा. एकदम आँख में आंसू आ जा रहे, मतलब पानी आ रहा है आँख में गर्म से, तबीयत सही नहीं रहने की वजह से. तो शबनम किचन में खाना बना रहे और मैं बैठा हूँ. अरे देखो यहाँ टकले को, टकले के चले गए. अब्बू, अब्बू की तबीयत खराब है ना मम्मा? अब्बू की तबीयत खराब है ना? सो गाइस, मेरे लिए दुआ करना, थोड़ा अल्लाह शिफा दे दे. शबनम बोले वैसे अभी खाना ना बन जाएगा तो जाते दवा खाना पर अब देखता हूँ मेरी हिम्मत यहाँ से होती नहीं होती जाने की. यहाँ आग लग गई तो सो जाऊँगा भैया, क्योंकि बहुत एकदम सर भी एकदम दुख रहा और एकदम माथा गर्म हो गया. चलिए देखते हैं आगे जैसा भी है जो भी करेंगे. तो देख, सो गाइस यहाँ बन रहा है खाना. क्या बना रहे शबनम? ओ माय गॉड, बिरयानी बन रही है. चलो, और ये देखो इनको, शबनम को पूरा इन्फेक्शन हो गया काय का, ये इतना हाथ पे नकली पहनने से. ये जो घड़ी पहनते है ना वो तो नकली है. वो नकली बोले तो नकली रहती है घड़ी. तो देखो पूरे इनको ऐसे दाने दाने आ गए. पर ये आदमी कुछ नहीं पहनते थे, ये आदमी कुछ नहीं है. ये सब चटका अटका देखो, कितना चटका खाती थी सब लोग. ये सब पहले चटका नहीं थे, अभी जब से तुमसे शादी हुई तो नहीं खाई. अच्छा, मेरे से शादी तो चटका नहीं खाई, इससे पहले खाई. अच्छा, तो चलिए ये देखो टकलू को, टकलू जहाँ जहाँ जाती हूँ पीछे पीछे घूमते रहते हैं. पीछे घूमते रहते हैं, जहाँ जहाँ जाऊँ मेरे पीछे पीछे आए. तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, खाना बन गया, बिरयानी बन चुकी है. तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, आज मैंने बड़े की गोश्त की बिरयानी बनाई. जैसे चिकन की बनाते वैसे ही बनाई हूँ. देखो चटका लग गया. यहाँ बिरयानी बन चुकी है. अब पहले जाती हूँ इनकी दवा लेने के लिए. अब भी मुँह हाथ धो के बैठे हैं तो जाके दवा लेती हूँ. फिर उसके बाद क्या बनने जा रही थी, हाँ मेरे साहब जी के लिए, मेरे नवाब के लिए, मेरे बेटे के लिए, मेरे शहजादे के लिए चप्पल लेने गए मेरे को. तो मैंने सौलिया से पूछी कहाँ से ली थी उसके बेटे की चप्पल. तो अभी जाके देखती हूँ, वहीं से चप्पल ले लेती हूँ, मिल गई तो. और आज दिन भर खिलौने से खेला है महान. तो चलो दवा खाना, जल्दी चलो, इनको बुखार चढ़ रहा है. जल्दी चलो, एकदम जल्दी चलो.
चल रहे भी तो नहीं है, कब से बैठी हूँ। हाँ, खाना बन गया, सब कुछ हो गया, इनके लिए इतनी जल्दी जल्दी खाना बनाई मैंने, है ना मम्मा, है ना मेरा बेटा। हाँ, मेरा कलेजे का टुकड़ा, बोलो अल्लाह, देखो कैसा बोल, अरे अल्लाह। तो चलो चलो जल्दी चलो, तो चलो चलते हैं, दवा लेते हैं, फिर देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं। तो हम निकल चुके हैं, अब हम जा रहे हैं दवा लेने, बाईजीपुरा ना, बाईजीपुरा जा रहे दवा लेने, क्योंकि वहाँ पे एक डॉक्टर है ना, उनकी दवा अच्छी मतलब लगती है हम लोग को, तो वहीं पे जा रहे हैं, चलो चलते हैं। माँ हाथ देखो, ठंडी बहुत लग रही है। माँ हाथ आप बुखार में है गुड्डू, माँ हाथ माँ हाथ ला इलाहा इल्लल्लाह कर दो मम्मा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कर दो। नहीं करेगा, बोलेगा ना, अच्छा करता है माशाल्लाह, पूरा हाथ ऐसे करके पूरा फेस पे है, पर अब नहीं करता, जब बोलती हूँ इसका चुपके से कैप्चर करूँगी कभी देखना। तो चलो अभी फिलहाल चलते दवा लेने, बच्चे की तबीयत ख़राब है, चलो। दवाई लेके हो चुका है, अब हम जा रहे हैं आगे, पता नहीं कहाँ। माँ के अबू को क्या पूछा डॉक्टर ने, मैंने मैं मैंने मैंने पूछी डॉक्टर ने क्या बोला, तो बोलता है बोलते पूछा कब आए, कब कहते कितने घंटे में पहुँचे, एड़ बगा रहे मेरे सही में पूछा होगा क्या बोलूँ, लड़का था एड़ बगा रहे मेरी, चलो बगा लो, तबीयत का तबीयत खराब ध्यान तो मुझे ही देना है ना, पका पका एड़ बगा लो तो गाइस शबनम ले रहे हैं यहाँ से माँ के लिए चप्पल, अब वो कौन सी होना उनको, मेरे को भी नहीं मालूम कौन सी होना, क्या मालूम तेरे अम्मा को कौन सी चप्पल होना जो मेरे बेटे पे सूट करेगी, वो देखो फिर। तो गाइस देखो ये पिला रहे टकले को, देखो इसका मुंह, उसको बहुत कुछ, बहुत पसंद है चप्पल, बहुत कुछ होता है ये चप्पल पहनता, तो है ना टकलू, थोड़ा बड़ा साइज लो, वाइट नहीं अच्छा लग रहा है, वो वाला कलर नहीं है उनके पास, इसके पैर है ना मेरे अब्बू के जैसे, कैसी हंसी आ रही उसको देखो मैचिंग भी हो गया कपड़े से, तेरे अब्बा को लात मारेगा चप्पल पहन के, देखो 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 पूरा उतर आ रहा है तो गाड़ी से। सो गाइस शबनम ने ले लिया माँ के लिए चप्पल, ओनली 150, शबनम शबनम चुवाड़ो 150 रुपए में, और ले नहीं उसमें भी कम करा रही थी ना, तो अंकल बोले नहीं चाइना वाले नहीं, अरे उसमें भी कम कराएंगे, आदमी के टाइम में आदमी चॉइस करने के टाइम भी ऐसे बोलना चाहिए था, नहीं मेरे को ये नहीं चाहिए दूसरा चाहिए, तो मिल गया ना अपने को अच्छा, क्या भाई फंसा लिया मैंने तुमको नहीं रे पागल, मस्ती कर रहा, जस्ट जोकिंग गाइस, आ गए ना पिला दो इसके, हाँ पिला देती ना। सो गाइस देखो शबनम मेरे लिए ये शॉप पे से लेने गए कुछ सरप्राइज गिफ्ट, और मेरे को मालूम नहीं, और देखो घर में कोई बड़ा नहीं है तो ऐसे ही होता है, हम लोग दोनों ही हैं तो मेरे को यहाँ पे ऐसा रुकना पड़ता है, और देखो कितनी दूर जाके वो ले रहे हैं, ये शॉप से, ये वाली जो दिख रही ना सब टी शर्ट वी शर्ट लगती है ये शॉप से, और मैं और मेरा गुड्डू यहाँ बैठे ना गुड्डू, हाँ मम्मा कहाँ लेने गई। सो गाइस देखो यहाँ पर शबनम खड़ी है, मैं थोड़ा पीछे आया इसका सरप्राइज वो कर दूँ क्या, पर जान दो अच्छा नहीं लगेगा, तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने ये ली, माते अबू ने लिए, और अब ले रहे हैं सीताफल, कितना कोई एक चीज़ पसंद करते ना तो खाते ही रहते उसकी, तो चलो मैं कुछ सामान ले रही थी उनके लिए, पर अभी नहीं ली, कल परसों में जाके लूँगी। सीताफल ले लिए और अब काकड़ी ले रहे, ये ना पूरा मेरा खर्चा करवा रहे हैं, मैंने पूरा 300 रुपया तुमको दे दूंगा, कुछ नहीं मेरा पैसा पूरा 500 रुपया उड़ा है, पूरा खत्म कर दिया, किसको किसको दिए तुमने 500-600-700-800 रुपया उड़ा है, जाओ इनके मेहर के भी पैसे अभी तक कम से कम 20-30 हजार रुपए ले लिए, 2000 रुपए उनका पिट्टू, झूठ सरासर झूठ नहीं, औरतों को बुरा नहीं मानना, औरतें पर तुम लोग को भी ये चीज मालूम है, अगर आदमी ने मेहर के पैसे लिए तो इन लोग बाप रे उड़ा देते, नहीं कुछ नहीं मेहर का नहीं मांग रही मैं, मेरा भी जो उधार लिए वो मांग रही हूँ,
चलो लो भाई। सो गाइस देखो, ये लड़के ने जब से चप्पल पहना है पूरे घर में आतंक मचा रहा है। देखो देखो, अरे अल्लाह अरे अल्लाह अरे अल्लाह, माशाल्लाह। टुकुर 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 टुकुर, और उसके कपड़े में मैचिंग भी हो गया है। टुकुर 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 टुकुर, चलो टुकुर टुकुर टुकुर। देखो कैसा ना एक्टिंग, देखो एक्टिंग, देखो उसकी एक्टिंग देखो। अब मम्मा चल गया, टुकुर 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 टुकुर, देखो 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 देखो, अरे अल्लाह माशाल्लाह, ये देखो। चलो मधु, टुकुर 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 टुकुर, अरे बोने माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, नजर हो जाएंगी तगले। देखो ये देखो ये देखो ये देखो एक्टिंग देखो, उसकी अम्मी को चिल्ला रहे। चलो तो यहाँ क्या बन रहा है भाई? काकड़ी काकड़ी क्या ये काकड़ी? काकड़ी और कचुंबर। कितनी मिर्च खिला दी लाल? तिक्का तिक्का खाएंगे आज। तो गाइस यहाँ पर वो माय गॉड माशाल्लाह, यहाँ पर निकल रही खाना, तो आइए आप सब भी खाना खाने। देखो 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 कैसा काम बता रहा है ये, बॉल पानी में डुबा रहा है। ची 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 ची, अरे बेटू क्या कर रहे हो तुम? अरे अरे क्या बेगरत बॉल है, वो भी वापस आ गया इतनी दूर फेंका। लेके आओ लेके आओ, बॉल लाओ। दो बॉल ला नहीं गया, आओ आओ फेंक दो फेंको या। ओहो माशाल्लाह, तो आइए आप सब भी आइए खाना खाने, और मैं अब फटाफट खाना खाता हूँ, दवा खाता हूँ और सोने की कोशिश करता हूँ क्योंकि हाथ पर बहुत ज़्यादा दुख रहे। चलिए झूठ बोलते हैं, सोते नहीं है। ए भाई सोता हूँ, सो जाऊँगा, सिर्फ मोबाइल चलाते रहते बस। तो नींद इतनी जल्दी नहीं आ जाती ना, नींद नहीं लगती है। अब 9 बजे कौन सोता है फिर? तबियत खराब है तो सो जाने का ना। हाँ तो कैसा बना जी? सो गाइस हर बार की तरह इस बार भी प्यार देना, हर बार की तरह इस बार भी एक एक नंबर बना माशाल्लाह। खाना तो सब इसको रट्टा मार लिया आज ना। नहीं रे बाबा मैं मस्ती कर रहा हूँ ऐसी। आज ना तुम्हारे खाने की तारीफ कौन कर रहा था मालूम? कौन? समरीन भाभी लोग। समरीन भाभी मेरे खाने की तारीफ हमेशा करते हैं, बहुत तारीफ करते, बोलते क्या लड़की है, काम में भी एकदम रफ सब काम करती है और फौरन और खाना में पानी भी मतलब फौरन बना लेती है और बहुत अच्छा खाना बनाती है, बहुत तारीफ करते हैं। अरे वाह शुक्रिया शुक्रिया दोनों भाभी लोग। चलो खाना खाते हैं। सो गाइस हम लोग का खाना पीना हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी मैं जा रहा हूँ दवा खाने। दवा खाने मतलब वहाँ दवा खाने नहीं जा रहा हूँ, ये दवा आई ईटिंग टैबलेट्स। तो टैबलेट्स आई ईटिंग विथ वाटर, 20 रुपए वाली वाटर बिस्लरी की। तो ये 20 लीटर वाली है जो बड़ी आती है, तो 20 वाली नहीं है। दूध नहीं ले ना बेटा, चलो दूध लेने भले जाओ। चलो दूध लेके आए, तुमको हल्दी दूध गर्म करके देती हूँ। चलो اللهم اشفي انت شافي لا شافي لا شفاء। तुमसे ज्यादा तो गोली खाई बेटा मैं। वो गोली वोली की आदत नहीं है ना खाने की, वो नहीं ना? हम तो खाने में भी गोली खाते हैं ना। बड़ी बड़ी घोड़े की गोली दिख रही थी वो। देखो इसको महाद महाद शबनम, थोड़ा तबीयत में आराम लग रहा है। गोली खाए नहीं अभी, अभी तो अंदर भी नहीं गई बराबर। सही तो डॉक्टर बोलता, देखो बाद में जब मैं बाहर निकला थोड़ा होश में आया ना, वो इतनी हंसी आई, बोलते मैं बोला सर ऐसा ऐसा हो गया, सफ़र से आया बाइक से गया था। कहाँ गए थे? मैं बोला मुंबई। बाइक से मुंबई गए थे? बोला हाँ। बोला अच्छा कौन से रास्ते से गए थे? नासिक से। बोला हाँ नासिक से गए थे। बोला अच्छा कितने घंटे लगे? मैं बोला एक बार 8 घंटे 9 10 घंटे लगे, एक बार 11 घंटे लगे। हाँ मैं भी गया था, बोले 15 दिन पहले मेरे दोस्त के वहाँ पे वो हो गया था। मैं बोला अच्छा, और मैं बाहर आके ये सोच में पड़ गया साला मैं इसको मेरी परेशानी बताने आया हूँ। तो पूरा मेजरमेंट ले रहे डॉक्टर साहब, तो बोले कितने कितने घंटे में बाइक से पहुँचते,
क्या डॉक्टर साहब भी जाने वाले क्या उनके क्या हो गए बाहर आके बाद में इतनी हंसी आई बोला अरे माँ क्या शॉट हो गया मत ऐसा यार मेरे को हंसी नहीं आ रही ये देख मारता है मेरे को मेरा बाप वास्तव में बोलता है ना संजय दत्त जिसी स्वभाव उसको मारता होता है रमित लाल ये उस दिन आप चले गए थे ना मुमरा मारता है मेरे को मुमरा गए थे ना तो हम लोग लगा के देखे थे पूरी पिक्चर देखे थे कैसी थी मस्त क्या होता बाद में क्या मालूम मार देते ना संजय दत्त को हाँ ये रमित लाल ये देख मेरे को मारता है तो गाइस ये देखो यहाँ पर ये तबारची ढोल बजा रहे हैं और हमारी बसंती नाच रही है धन कर धन 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 धन इधर के जो नाच रहा है ला नाचो मत दूँ नाचो धन कर धन धन कर धन धन कर धन धन कर धन 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 कर धन धन कर धन कर धन 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 धन नाचो नाचो तो ऐसा रात में देखो इसके साथ ऐसा बच्चा बनना बन रहा है शबनम अच्छा बजाते हैं ढोल कतरी मार रहे शबनम तो बजाओ अरे टैग काय का लग गया मेहंदी तो नहीं लगा लिए तुम आगे बैठो तुम बहुत शरारती हो गया बाप रे देखो अब इसकी हरकत देखना इसकी हरकत देखो अभी चढ़ो तो ऊपर तो चढ़ो ये देखो चढ़ जाओ चढ़ो ऊपर हम लोग बैठे थे और थोड़ा मस्ती मजाक थोड़ा खेल कूद हुआ महात बाबू के साथ और थोड़ा हमारा वाईफाई जो था अभी हम लोगों ने 4G से 5G करे तो मतलब उन्होंने ही करके दिए वाईफाई वालों ने हमारे मोहसिन भाई है तो उन्होंने करके दिए थे तो 5G में मतलब है ना थोड़ा ऐसा हो रहा था कि प्रॉब्लम आ रहा था कुछ सेटिंग उल्टी हो गई थी तो छोड़ पकड़ कर रहा था तो अभी उन लोग आए थे उन लोग ने सब क्लियर करके दिया और मस्त चल रहा है अभी एक नंबर तो वही सब अभी क्लियर कराए और हम लोग भी शबनम गए बोले मुँह हाथ धो के थोड़ा चेंज करके फिर सो जाएंगे और ये देखो महात बाबू को देखो अरे अल्लाह कैसा सोई है तो सेम ये लड़का सोने पे एकदम सेम मेरे जैसा सेम मैं भी एकदम मूड पटांग सोता हूँ किधर भी सोता हूँ मैं भी तो अभी मैंने दवा गोली खाया तो अल्लाह ने थोड़ा शिफा दिए थोड़ा सा तबीयत में आराम लग रहा है हल्का फुल्का ऐसा 100% में से 30% आराम लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह और सोलिया उन लोग भी आए थे घर पे बैठे उन लोग भी काफ़ी देर बैठे आज और उसके बाद महाद ने अली को देखा अली ने महाद को देखा थोड़ा मस्ती की इन लोग ने फिर उसके बाद वो छतरी इतरी को लेकर कुछ थोड़ा झगड़ा कर रहे थे लोग आपस में मतलब छीनम चप्पी कर रहे थे तो बहुत और मतलब मस्ती मजाक तो महात का तो तुम लोग को मालूम ही है बस दिन भर उसका कुछ ना कुछ चलते रहता है आप जाके भैया सोए हैं ये देखो अभी सोए कैसा अल्लाह बहुत हंसी आती इसको देखते ना दिन भर कुछ ना कुछ कारस्तानी करते रहता है ये तो चलिए फिर गाइस मैं भी अब सो जाता हूँ क्योंकि गर्म मेरे को ना अब बहुत ज़्यादा हो रहा पहले ठंडी बज रही थी बुखार आ रहा था बुखार उतर गया अल्हम्दुलिल्लाह और अभी तो मैंने सब बदन सब भकभका रहा है मेरा गर्म से जबकि ठंडा मौसम है औरंगाबाद में बहुत अच्छा मौसम है माशाल्लाह
बट मेरे को गर्म हो रहा, हो सकता मैंने दवा गोली खाया इस वजह से। तो मैं अब सो जाता हूँ फटाक से, क्योंकि ना नहीं दिल बोल रहा बिल्कुल भी बैठने का। तो चलिए गाइस, दुआ करना कि अल्लाह जल्द से जल्द शिफा दे और अच्छा हो जाऊँ मैं भी मस्त एकदम। और 24 तारीख को, ये मंथ की 24 को हमारी एनिवर्सरी है, मैंने कल के व्लॉग में भी बोला था और ये व्लॉग में भी बोल रहा हूँ कि 24 अक्टूबर है तो हमारी एनिवर्सरी है, तो हमारी ये सेकेंड एनिवर्सरी रहेगी। तो फर्स्ट तो हम लोग गाँव में थे, तो मतलब और जब व्लॉग भी नहीं बनाते थे तो किसी को मालूम नहीं था, बट ये आप लोगों की नज़र में फर्स्ट है, तो हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी आप लोगों के सामने होगी। तो ढेर सारी दुआएं देना कि अल्लाह हमारे दिलों में मोहब्बत दे, खुशियां दे, ज़िंदगी में चैन सुकून दे, आफियत वाली ज़िंदगी दे। और गाइज मैं 3 दिन से कंटिन्यू ये चीज़ बोल रहा हूँ कि, और आज भी ये चीज़ बोलूँगा कि गाइज फ़लस्तीन के लिए दुआ करना, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत परेशान है बेचारे, बहुत बोलते ना एकदम दिन पे दिन ये रील देख देख के ना एकदम है ना ऐसा दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल हो गया एकदम ऐसा ना देख के, मतलब कुछ अजीब एकदम अजीब लग रहा है कि क्या है। अब देखते हैं जो कुरान हदीस से साबित है बात वही सब हो रही है और क्या, हम तो दिन ब दिन अपनी आंखों से देख ही रहे। तो जो भी होगा अब तो अल्लाह ही है बेहतर करने वाला, और मैं तो बोलूँगा ये जो इसराइल वाले हैं तो अल्लाह इनको जल्द से जल्द ऐसा कुछ करिश्मा दिखा देना कि लोग परेशान हो जाए, सारे एकदम नस्तो नाबूद कर देना चाहिए। इतने मासूम मासूम बच्चों का कत्ल कर दे रहे। अभी जो हॉस्पिटल में उन लोग का इलाज चल रहा था तो वो हॉस्पिटल को भी बम से उड़ा दिए लोग ने, तो 500 लोग इंजर्ड हो गए। बहुत दुख हुआ मालूम देख के, बहुत सुन के। और ऐसा बच्चे मतलब तो अपने ऐसा मासूम मासूम बच्चे अपने गोद में लेके उन लोग अपना दम तोड़ रहे, बहुत सोचने वाली बात है यार। अल्लाह बस मैं बोल रहा ना उन लोग के दिलों पर अल्लाह रहम करे, और उन लोग के दिलों में अल्लाह कुछ बात डाल दे ऐसी, नहीं अगर उन लोग को हिदायत मिल रही तो अल्लाह उनके दिलों में ऐसी कोई बात डाल दे कि उन लोग ये सब बंद कर दे। यार बहुत तकलीफ हो रही है, और अपन अफसोस के अलावा और क्या कर सकते हैं, तो अपन तो यहाँ पर है और देखते हैं अब आगे अल्लाह को जो मंजूर होगा वही होगा। तो अपने अपन क्या वो कर सकते, अपनी क्या हैसियत है, अपन खुद मोहताज है अल्लाह की, हर चीज़ अपनी मोहताज है अल्लाह की, ना हाथ पैर नाक कान जुबान आँख सब अल्लाह की मोहताज है। तो मैं तो यही दुआ करूँगा अल्लाह से, और मैं बार बार यही बोल रहा हूँ और के बस अल्लाह है ना वहाँ के लोगों पर रहम करे अल्लाह, और मस्जिद अक्सा की भी अल्लाह हिफाजत करे और वहाँ के लोगों की भी हिफाजत करे। बेचारे कई साल से उन लोग लड़ते आ रहे हैं, बहुत देख रहे ना एकदम, और एक ही उन लोग की ज़बान पर एक ही बस नारा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह एक है बस, उन लोग अल्लाह अकबर और कलिमा तैयबा की मतलब बस नारे लगा रहे हैं। तो उनको भी मालूम है इंशाल्लाह एक ना एक दिन फतेह उन लोग की ही होगी मुसलमानों की। और हदीस से भी ये बात साबित है, कुरान से भी है कि कयामत से पहले 40 साल कुछ आई थिंक सो मुसलमानों की हुकूमत रहेगी। तो बहुत देखते हैं अभी क्या है, बस यही बस दिन ब दिन रील देख रहे ना तो एकदम बस और मतलब और है ना एकदम टेंशन बढ़ते जा रहा देख के कि अल्लाह ये सब क्या हो रहा है अल्लाह। बस मैं तो बार बार यही बोलूँगा और अभी भी यही बोलूँगा कि बस अल्लाह ने बस रहम करना फ़लस्तीनियों पर, हमारे भाई बेचारे, और अपने 57 मुल्क हैं मुसलमानों की, 57 कंट्रीज़ है। तो दूसरे लोग तो एक्शन ले सकते हैं यार, उन लोग माली हालत से परेशान है, भूख प्यास से परेशान है, और अपने बच्चे मासूम मासूम बच्चों से एकदम बेचारे वो परेशान है कि उनके मासूम मासूम बच्चों को कत्ल कर दिया गया। तो लोग क्या मंजर होगा यार, उन लोग के ऊपर क्या बीत रही होगी कि उनके हाथ में बच्चे दम तोड़ रहे। बहुत तकलीफ हो रही सुन के देख के ये सब चीज़ें। मैं तो बोलता हूँ ये 57 कंट्रीज है तो करना चाहिए यार कुछ ना कुछ, इन लोग भी एक्शन लेना चाहिए। और गाइस जितने भी इसराइल के प्रोडक्ट्स हैं इससे उसमें से मैं कुछ बता दूँ, कोलगेट है, ओरियो है, और स्टारबक्स है, नेस्कैफे है, और बहुत सारी चीज़ें मेरे को तो याद भी नहीं रहता है तो बहुत सारी चीज़ें। तो गाइस प्लीज़ इसको थोड़ा अवॉइड करें और इसका बायकॉट करें। पेप्सी है, कोको कोला है, और है बहुत सारी, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें। तो गाइस प्लीज़ ये सब चीज़ों को अवॉइड करें, जैसे कि मैं वापस बता रहा हूँ, नेस्कैफे हो गई, स्टारबक्स हो गया, मोन्जो अपना ये हो गया, मैकडोनल्ड हो गया, और एक है ना जो बहुत ट्रेंड में चलता है, मैकडोनल्ड, ओरियो, कोलगेट,
नेस्कैफे, स्टारबक्स और क्या बोला था मैंने, और बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो अभी बताया था कितनी सारी चीज़ें और वापस भूल गया। तो गाइज ये सब चीज़ों को एकदम प्लीज़ अवॉइड करें, एकदम अवॉइड करें ये सब चीज़ों को, पेप्सी, कोको कोला ये सब। तो और हाँ, और मेसी रोनाल्डो जो है, जो इंडिया के सबसे बड़े वो है फुटबॉलर है वर्ल्ड के, बोलते अपने को नहीं मालूम बट मैं देखा हूँ, मतलब उनका प्रोफाइल भी और उनका वीडियो भी चलते रहता है, तो पूरे वर्ल्ड के क्या इंडिया के नहीं मालूम, तो बहुत बड़े फुटबॉलर है वो। तो वो भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं फलस्तीन को, और मैंने उनकी कई सारी वीडियोज़ देख लिया कि वो पेप्सी मतलब इंटरव्यू में रख रहे ना, तो वो खुद उसको अवॉइड कर रहे, मतलब वो अपने हाथ से उठा के बाकायदा इतने मीडिया के सामने वो फेंक रहे उसको, तो बहुत अच्छी बात है। और बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो तो उनको सैल्यूट है, बहुत बोल देना वो लोगों के लिए। मतलब अभी के टाइम मैं, मतलब मैंने रील में जितना देखा कि वो बंदा बहुत कर रहा है, और उसने इसराइल का जो पीएम रहता है, जिससे अपने हिंदुस्तान के जो है वो ये नरेंद्र मोदी, तो वैसा जो इसराइल का जो पीएम है ये, तो उससे मतलब सबसे मिला उसने और उसको अवॉइड कर दिया, उससे नहीं मिला सबसे, बाकी गले मिला, हाथ मिलाया बट उससे नहीं मिला। बहुत अच्छा लगा देख के, मतलब बाहर का कोई होके मतलब इतना सपोर्ट कर रहा है, बोले तो बहुत बड़ी बात है। तो गाइस चलिए फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और ये मेरे पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा गाइस शेयर करना और दुआ ज़रूर करना गाइस, जो फलस्तीन भाई है हमारे, अल्लाह उनको जल्द से जल्द ये तकलीफ़ों से राहत दे, बस अल्लाह उनकी भी ज़िंदगी में चैन सुकून दे, क्योंकि बहुत पक्का ईमान है यार वहाँ के लोगों का बेचारे। तो गाइस दुआ करना। तो चलिए गाइस आज के लिए इतना ही काफ़ी, आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करते रहना, और हमारे वीडियो को ऐसी फुल वॉच करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चलिए फिर, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।